जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी अपने वाईफाई प्रॉब्लम की वजह से परेशान हैं तो आज की इस वीडियो में आपका ये प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। मैं आपके साथ कुछ ऐसे मेथड्स शेयर करूंगा, अगर आप इनको अपने लैपटॉप या पीसी पे अप्लाई कर लेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका ये प्रॉब्लम फिक्स ना हो। लेकिन याद रहे कि आपने वीडियो के किसी स्टेप को स्किप नहीं करना है। वन मेथड अगर वर्क ना कर रहा हो तो आपने सेकंड मेथड अप्लाई करना है। इस तरह आपने उस वक्त तक वीडियो को नहीं छोड़ना है जब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 मेथड शेयर करूँगा जो ऑल विंडोज़ के लिए 100% वर्किंगेबल है। इन मेथड में से पहले 3 मेथड कुछ लैपटॉप में वर्क नहीं करते हैं, बट इन 5 मेथड में से लास्ट 2 मेथड 100% वर्किंगेबल हैं फॉर ऑल लैपटॉप्स के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मेथड नंबर वन में हम स्टार्ट बटन पर आएंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम ओपन कर लेंगे यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास नेटवर्क अडेप्टर का कोई ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे पास वाईफाई ड्राइवर्स जो हैं वो मिसिंग हैं। तो इसको, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपने यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपको एक पीसी का आइकन नज़र आ रहा है, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस, इस पे आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे हमारे पास हमारे ड्राइवर्स जो मिसिंग थे वो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेट का प्रॉब्लम था, वाईफाई का प्रॉब्लम था, अब वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क अडेप्टर, पहले ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद नहीं था, अब आल के आल ड्राइवर्स हमारे पास द्वारा इंस्टॉल हो गए हैं, हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। बट अगर आपके पास ये मेथड वर्क नहीं कर रहा है तो आप सेकंड मेथड अप्लाई करें। मेथड नंबर टू में आपने अपनी वाईफाई आइकन पे जाना है, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने चेंज अडेप्टर सेटिंग पे जाना है। जैसे ही आप चेंज अडेप्टर सेटिंग पे जाएंगे, इसके बाद राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा। तो यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे हमारे पास डिसेबल है। अगर आपके पास भी डिसेबल है तो यहाँ पे आपने इसको इनेबल कर देना है। और जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे, अगर आपके लैपटॉप में ये प्रॉब्लम हुआ तो आपका वाईफाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपके पास ये मेथड वर्क ना कर रहा हो तो आपने नेक्स्ट मेथड अप्लाई करना है। मेथड नंबर 3, अगेन आपने स्टार्ट बटन पे जाना है, डिवाइस मैनेजर यहाँ पर टाइप करना है। डिवाइस मैनेजर टाइप करने के बाद यहाँ पे आप, अगर आपके पास नेटवर्क अडेप्टर का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपने यहाँ पे ड्राइवर पे, फास्ट ड्राइवर पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। इस तरह आप सेकंड
को भी अनइंस्टॉल कर देना है। इस तरह आप इस ड्राइवर्स को भी अनइंस्टॉल कर देना है, लेकिन मेक श्योर रहे कि जो बॉक्स है इसको आपने अनचेक रहने देना है, चेक नहीं करना है। सेम आपने सब के सब ड्राइवर्स अनइंस्टॉल कर लेने हैं। जैसे ही आपके ड्राइवर्स अनइंस्टॉल हो जाएंगे, आपने टॉप पे ऑप्शन बना है स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस, तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुम्हारे पास ये ड्राइवर्स रीइंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। जब वाईफाई ड्राइवर्स रीइंस्टॉल होंगे तो आपका वाईफाई का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास मेथड नंबर 3 वर्क नहीं कर रहा है तो आपने मेथड नंबर 4 को अप्लाई करना है। मेथड नंबर 4 को यूज़ करते हुए आप अपने लैपटॉप के ओरिजिनल वाईफाई ड्राइवर्स डाउनलोड कर लेने हैं अपने लैपटॉप की ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट से। वो कैसे डाउनलोड करने हैं मैं आपको इस मेथड में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओरिजिनल वाईफाई ड्राइवर्स डाउनलोड करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इंफॉर्मेशन योर नीड्स, सबसे पहली चीज़ सिस्टम मैन्युफैक्चरर, हमें पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ सिस्टम मॉडल, इसके बाद तीसरी चीज़ सिस्टम टाइप। मैं आपको बताऊंगा कि आप इन तीनों चीज़ों को कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप या पीसी में सिस्टम मॉडल, सिस्टम टाइप और सिस्टम मैन्युफैक्चरर किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर प्रेस करना है विंडो प्लस आर, शॉर्टकट की प्रेस करनी है विंडो प्लस आर। यहाँ पे आपने टाइप करना है MSINFO 32। टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक होगा तुम्हारे पास ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, सिस्टम मैन्युफैक्चरर, इसके बाद सिस्टम मॉडल और सिस्टम टाइप। इन तीनों की तीनों चीज़ को आपने नोट कर लेना है। जो भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं इजीली आप अपने लैपटॉप के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम मैन्युफैक्चरर कुछ इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लेना है। सबसे पहले सिस्टम मैन्युफैक्चरर जो मेरे लैपटॉप का ये है, इसके बाद सिस्टम मॉडल, इसके बाद सिस्टम टाइप। सेम इसी तरह से हमने इसको अरेंज कर लेना है। जैसे ही हम तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे, इसके बाद आपने अपना मोबाइल ओपन करना है। ओपन करने के बाद गूगल क्रोम पे चले जाना है। सेम उसी अरेंजमेंट के साथ जिस तरह मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, सबसे पहले सिस्टम टाइप, सेकंड नंबर पे सिस्टम मॉडल और थर्ड नंबर पे सिस्टम टाइप आपने यहाँ पे लिख लेनी है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो जैसे ही हमारे पास ये ओपन होगा तो यहाँ पहली वेबसाइट पे ऊपर हमने क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास डेल की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो चुकी है हमारे मोबाइल पर। यहाँ पे आपने यहाँ सबसे पहले हमारे पास है कीवर्ड। मैन्युअली आप कोई ड्राइवर्स डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑटोमेटिकली हमें उसने सेलेक्ट कर लिया। इसके यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कैटेगरी का, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के ड्राइवर्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमने वाईफाई ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं तो यहाँ हम नेटवर्क कैटेगरी को
सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने नेटवर्क कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, इसके बाद यहाँ पे हम इसको ऑल पे ही रहने देंगे। इसको यहाँ पे हमारे पास हमारे लैपटॉप के जो है रिक्वायर्ड ड्राइवर्स हमारे पास शो हो रहे हैं, तो यहाँ से हम कोई भी एक ड्राइवर डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने ड्राइवर्स को इजीली डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ड्राइवर्स डाउनलोड हो रहे हैं। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी फ़ाइल, तो आपने इस फाइल को अपनी यूएसबी में डाल के या किसी भी और वे के साथ अपने लैपटॉप के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। जैसा कि मैंने अभी अपने ड्राइवर्स को अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लिया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास वाईफाई का जो प्रॉब्लम था हमारे पास सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हम इजीली अपनी वाईफाई को अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से मेथड नंबर 4 आपके सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है, तो डोंट वरी, आपने मेथड नंबर 5 अप्लाई करना है। मेथड नंबर 5 में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो आपके लैपटॉप या पीसी में जितने भी ड्राइवर्स रिक्वायर्ड होंगे, मिसिंग होंगे, उनको ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर देगी। मेथड नंबर 5 अप्लाई करने के लिए आपको पहले अपने सिस्टम पे नेट को कनेक्ट करना है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने सिस्टम के साथ नेट को कैसे कनेक्ट करना है। आपने एक डाटा केबल ले लेनी है जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आपने लैपटॉप के साथ या अपने पीसी के साथ इसको अटैच कर लेना है। दूसरी साइड पे आपने मोबाइल को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। मोबाइल को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सेटिंग पे जाना है। इसके बाद आपने वायरलेस एंड नेटवर्क्स पे जाना है। वायरलेस एंड नेटवर्क जाने के बाद आपने यहाँ पे टीथरिंग पोर्टेबल हॉटस्पॉट पे जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पे ब्लूटूथ और यूएसबी दोनों ऑप्शंस को ऑन कर लेना है। नेट कनेक्ट हो रहा है। अब जैसे ही इसको ऑन करेंगे, देखें यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस, यहाँ पे मेरे पास मेरे लैपटॉप में यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। सेम इस तरह आपने अपने पीसी या लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। फर्स्टली इसके बाद आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। यहाँ पे टाइप करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। जैसे ही आप टाइप करेंगे, यहाँ पे आपने ड्राइवर पैक सॉल्यूशन वाली पहली वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है इंस्टॉल ऑल रिक्वायर्ड ड्राइवर्स, जैसे यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है, और ये ऐसे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें शो हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है ओपन एक्सपर्ट मोड, इस पर हमने राइट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह की लोडिंग शुरू हो जाएगी। तो इस पर हम
के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का शो करेगा, हमारे पास इतने ड्राइवर्स मिसिंग हैं, जितने ड्राइवर हमारे लैपटॉप में मिसिंग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। तो आपने जितने भी मिसिंग है आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपने जस्ट नीचे आना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वाईफाई ड्राइवर्स इंटेल मेरे लैपटॉप में वाईफाई ड्राइवर्स मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया वाईफाई ड्राइवर्स को। तो इसके बाद हमने बस हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमने लास्ट में हमें एक ऑप्शन नज़र आएगा इंस्टॉल ऑल, इस पर हमने राइट क्लिक करना है तो हमारे पास इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास मेरे पास ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने इस लोडिंग को यहाँ पे कंप्लीट होने देना है। जैसे ये लोडिंग स्टार्ट होगी आपने टेंशन नहीं लेनी है, इस प्रोसेस को 40 से 16 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड है कि आपके लैपटॉप में कितने ड्राइवर्स जो हैं वो डाउनलोड होने वाले हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे जैसे ही लोडिंग स्टार्ट होगी आपने लैपटॉप को साइड पे रख देना है और इसको कंप्लीट होने देना है। जैसे ये लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद आपका ये वाईफाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।